कहाँ जा रहे हो? वो यामिनी के लिए खाना ले जा रहा हूँ, बेचारी भूखी होगी ना। मैं तुम मर नहीं जाएगी वो। अरे मैं जानता हूँ, खाना ले जाना तो एक बहाना था, लेकिन मुझे यामिनी की बात फिक्र हो रही है। मैं जानता हूँ तुम दोनों की बनती नहीं है, मैं जानता हूँ वो गुस्से वाली है, वो कुछ भी करती है, लेकिन जो कुछ भी है वो मेरी पत्नी है। पर जो कुछ भी हुआ है ना आज, उसने नहीं किया है। मेरा दिल कहता है कि उसके साथ किसने कुछ किया है, कुछ जादू चुना हुआ है। तुम्हारी भी एक पत्नी थी राना, तुम मेरी बात समझ सकते हो। जिसे तुम बेपनाह प्यार करते थे राना, कभी तुम उसे छोड़ सकते थे? पति पत्नी एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते हैं, ये बात तुम समझते हो। पर मेरी बजाय अगर तुम होते तो क्या अपनी पत्नी को छोड़ते? ठीक है फुफ्स, तो फिर लाओ ये मुझे दो, मैं यामिनी को दे आता हूँ। फुफ्स, वो यामिनी है, वो आपके बस में नहीं आएगी। मेरा मतलब है, हम राक्षस हैं, आप इंसान हो, है ना? तो या तो वो अपनी शक्तियों से, और या फिर अपने इमोशनल अत्याचार से वो आपको मजबूर कर देगी कि आप उसे उस तहखाने से बाहर निकालें। वो तो है, जो हम होने नहीं दे सकते। हाँ तो लो। थैंक यू रानव, मेरा भतीजा। खाना ले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खाना, मुझे बाहर निकालो। ये मुझे प्रथम नाम से किसने पुकारा? कौन है यह? आईना, देखा मुझे उस लॉकेट के जादुई दृष्टि से, वो दृश्य देख। ये लाइट को क्या हो गया? ये ऑन ऑफ क्यों हो रही है? ये सूफिया, ये लड़की रानव का पीछा क्यों कर रही है? मुझे पहले से ही शक था, ये लड़की गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा है। इसीलिए उस लॉकेट में मैंने वो जादुई दृष्टि लगाई थी। ना उस बुढ़िया को पता चला और ना ही उस सोफिया को, लेकिन अब इस जादुई दृष्टि के जरिए इस लड़की का हर राज मेरे सामने आ जाएगा। रानव, आज तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है, आज तुम्हारा अंत है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। राक्षस की कमजोरी, अगर किसी राक्षस को रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच मारा जाए तो कुछ घंटों के लिए वो राक्षस शक्तिविहीन हो जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई किसी ने मुझ पर वार किया? ये सूफिया, सोफिया ने रानव को खंजर मारा। रानव से इस लड़की की क्या दुश्मनी है? रानव से तो बेला की दुश्मनी है। बेरा शक सही निकला, ये लड़की सोफिया नहीं है, बेला ही है। आ, 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 आ,
मैं बेला हूं, हां मैं ही वापस आई हूं तुम्हारा अंत करने, तुम्हें खत्म करने, तुम राक्षसों का विनाश करने, तुम राक्षसों का सर्वनाश करने। तुम संधा हो बेला, पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? इतने मुश्किल से हम एक हुए थे, हम दोनों के दिल एक हुए थे, तुम सब बर्बाद क्यों कर रही हो? मैं सब बर्बाद कर रही हूँ? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुमने मुझे बर्बाद किया है, मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज, कुदरत की दी हुई सबसे कीमती चीज तुमने मुझसे छीन ली, मुझे खाली कर दिया अंदर से। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या किया है मैंने? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं नहीं नहीं, अगर इन दोनों के बीच झूठ का ये पर्दा हट गया और अगर सच सामने आ गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। है मुझे इसी वक्त इसे रोकना होगा। बस मेरा अस्त्र और बालका, बालका जिंदा है। बालका यहां क्या कर रहा है? मैं प्रथम बाबा। ये रानव के शरीर में आपका बेटा प्रथम बाबा। प्रथम? हाँ बाबा, प्रथम बाबा, बेटे प्रथम बाबा। बाबा आप बाबा प्रथम बाबा। बाबा आप ठीक है? बट बाबा आप यहाँ कैसे? ये अस्सी अस्त्र यहाँ कैसे? बेटा, इस अस्सी अस्त्र की वजह से अश्वत को मार दिया गया। तब मुझे ये एहसास हुआ कि जिस अस्त्र को पाने के लिए मैं वर्षों से तपस्या कर रहा था, वो अगर किसी गलत हाथ में चला गया ना बेटा, तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो राक्षस जाति का कल्याण चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि इसे पाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, इसलिए ये मेरे पास यहां सुरक्षित है। पर अब तो पता चल गया। तुम्हारे बाबा का जुड़वा भाई मलक। मलक, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे और मेरे परिवार के बीच में कभी मत आना, लेकिन तुम नहीं माने। बता ली तुमने बहुत अच्छा किया मुझे यहां बुलाकर, क्योंकि कोई अगर बालका से असी अस्त्र ले सकता है तो वो सिर्फ मैं मालका। असी अस्त्र लेने के लिए कदम बढ़ा के तो दिखा तू, जान से जाएगा। अरे जान से तो तू जाएगा। इन राक्षसों में कौन सही है कौन गलत पता नहीं, पर इतना पता है ये असी अस्त्र इन राक्षसों के हाथ नहीं लगना चाहिए। मुझे किसी भी तरह असी अस्त्र यहाँ से ले जाना होगा। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हैं आप दोनों? आप मुझे यहाँ मिल जाएंगे? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये हमारा बेटा प्रथम है, जो परिवार उस वक्त नहीं बसा। चलिए
अब बसाते हैं। अरे परिवार उजाड़ने वाली क्या परिवार बसाएगी? तुम्हें तो सिर्फ अस्त्र चाहिए। अगर तुम्हें परिवार से प्यार होता ना, तुम मालका के साथ मिलके ये सब ना करती। तुम जानती भी हो कि मालका ने हमारे साथ बाबा यही सही मौका है ऐसी अस्त्र ले जाने का। खबरदार, खबरदार, अगर तूने मेरे बेटे को कुछ भी किया तो हट जा मेरे रास्ते से। नहीं, क्योंकि आज अगर मेरे और असी अस्त्र के बीच जो भी आएगा जान से जाएगा, क्योंकि अब सातों लोगों पे मैं राज करूंगा। हट जा! माँ, आप ठीक है? राणा, हाँ माँ, बाबा आप देख दो। प्रथम मुझे छोड़ो और मलक को रोको, क्योंकि अगर असी अस्त्र उसके हाथ लग गया ना तो सातों लोगों में तबाही मचा देगा वो। जाओ। वैसे मैं चाहता तो तुझे मार के भी असी अस्त्र ले सकता था, लेकिन समझदारी इसी में है कि तुम खुद ही दे दो। मैं जीते जी तो नहीं दूंगी। तो ठीक है, मार के ले लेते। क्या बात है, प्यार, इश्क, मोहब्बत, इस फितूर में कोई अपनी शक्ति कैसे त्याग सकता है? तुमने इस प्यार के इस नदी में डूबकर बहुत बड़ी गलती की है। अब भुगतो। हाँ, मैं चलती हूँ। आप कभी विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे अपने परिवार से प्यार है, फिक्र है। मैं बातें हूँ कि मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन मेरी ममता में कोई खोट नहीं। तुम्हारी ममता, क्या यही है तुम्हारी ममता कि तुमने उस आदमी से हाथ मिलाया जिसने तुम्हारे बेटे का खून किया? क्या अश्वन? हाँ। नहीं नहीं, अश्वन का खून तो दीपा ने किया था। हाँ, लेकिन मलक के कहने पर मलक का कोई परिवार नहीं है, ना ही कोई परिवार वाले। उसके लिए सब उसके हाथ के मोहरे हैं। तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, उन्होंने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुमने उसी आदमी से जाके हाथ मिलाया जिसने तुम्हारे बेटे अश्वत को मारा। तुम अपने जुनून में इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हें यह एहसास भी नहीं हुआ कि तुमने क्या कुछ खोया है। तुम्हें तो शक्तियां चाहिए थी। शक्तियां किसके लिए? किसके लिए चाहिए थी तुम्हें शक्तियां? और शक्तियां मिल भी गई तो क्या करोगे शक्तियों का? और मैंने तो सुना कि तुम अपने
दूसरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने में लगी थी। अरे वो भी तो तुम्हारा अपना बेटा है प्रथम, क्या यही तुम्हारी ममता है? तुम मां हो लेकिन तुमने सब कुछ खो दिया। आज अगर मलक हाथों ये ऐसी अस्त्र लग गया ना तो पूरी सृष्टि को बर्बाद कर देगा, वो दबा ही बचा देगा। से दूर रख मालक, ये तो परी भी नहीं है, केवल एक इंसान है, साधारण इंसान। बेला तुम जाओ यहां से, मालक को मैं देख लूंगा। अरे तुम बंद करो अपना ये नाटक रानव, मैं जानती हूँ तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब, क्यों ये प्यार और परवाह का ढोंग कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम चाहते हो मैं यहाँ से जाऊँ ताकि तुम्हें ऐसी अस्त्र मिल सके, है ना? ये तुम क्या कह रही हो बेला? मैं वही कह रही हूँ जो सच है। बंद कर दो रानव अपना ये नाटक, तुम्हारी असलियत मैं अच्छे से जान गई हूँ, देख लिया तुम्हारा असली चेहरा, बंद कर दो ये सब। तुमने मुझे धोखा दिया है रानव। धोखा तो तुम्हारी जिंदगी दे रही है तुम्हें। वैसे मैं मरने से पहले तुम दोनों को इतनी रहम की भीख तो दे ही सकता हूँ कि तुमको मैं सच्चाई दिखा दूं। रूप बदलने की विद्या सिर्फ तुझे आती है, जो तुझे तेरे बाबा ने सिखाई है, और तेरे बाबा को ये विद्या मैंने सिखाई है।